सरकार ने चालू वित्त वर्ष की आखिरी तिमाही के लिए 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस सहित 6 ड्राई डे यानी शुष्क दिवस का ऐलान कर दिया है। दिल्ली सरकार की ओर से जारी इस बाबत जारी बयान में कहा गया है कि अधिकारियों ने बृहस्पतिवार को यह जानकारी दी। एक आदेश में आबकारी विभाग ने कहा कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, 24 फरवरी को गुरु रविदास जयंती, 6 मार्च को स्वामी दयानंद सरस्वती जयंती, 8 मार्च को महाशिवरात्रि, 25 मार्च को होली और 29 मार्च को गुड फ्राइडे शुष्क दिवस रहेंगे। इस दौरान शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। इस बीच दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी सहित कई भाजपा नेताओं ने मांग की है कि 22 जनवरी को अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा, उस दिन को भी शुष्क दिवस घोषित किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता रामवीर सिंह विधोड़ी सहित कई भाजपा नेताओं ने मांग की है कि 22 जनवरी अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा समारोह आयोजित किया जाएगा, 22 जनवरी को भी शुष्क दिवस घोषित किया जाए। अधिकारियों ने बताया कि इस संबंध में सरकार की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया है। बता दें कि 31 दिसंबर 2023 को दिल्ली में 24,726 शराब की बोतलों की बिक्री हुई थी, जो पिछले वर्ष 31 दिसंबर 2022 की तुलना में 3,70,062 ज्यादा थी। इसी तरह साल 2020 में कोरोना महामारी के बावजूद शराब की बिक्री जमकर हुई थी। इस बार भी नए साल पर कोरोना के मामले बढ़ते दिखे, लेकिन फिर भी दिल्ली के लोग नए साल के जश्न में डूबे रहे। साल 2023 के दिसंबर महीने में सबसे ज्यादा काफी ज्यादा शराब की बिक्री हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली समाचार।